हेलो गाइस, स्वागत हो गया आप लोगों का एक और बार माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो पे। सो हम आ गए हैं सक्सेसफुली वापस एंड सिटी से और सारी लूट भी ले आए हैं जो कि है इस शेल्कर बॉक्सेस में, तो इन्हें जल्दी से खाली कर लेते हैं। सो गाइस, इस शेल्कर बॉक्स में सारे पुरपुर ब्लॉक वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह, सारे एंडरपल्स वगैरह हैं इसमें, तो मैं जल्दी से खाली कर देता हूँ इसे। सो गाइस, दूसरे वाले शेल्फ के बॉक्स में मैंने सारी लूट भर के रखी थी, तो ये सारी लूट है वो, तो इसे भी जल्दी से मैं खाली कर देता हूँ। सो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए एक विलेजर ब्रीडर जो ऑटोमेटिक लेगा फुल्ली, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो विलेजर, और फार्म बहुत इजी है बनाने के लिए, कोई भी रेडस्टोन वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। तो विलेजर इकट्ठा करके मिलता हूँ जल्दी से, और सामान भी इकट्ठा कर लेता हूँ जो जो चाहिए बनाने के लिए। और सबसे पहले अपने शल्कर बॉक्सेज हैं उन्हें अपने फेवरेट कलर यानी ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं नीचे विलेजर लेने आया था और काम करते करते रेट पड़ गई, और देखते ही देखते सारे विलेजर मर गए यार, सब मार दिए इन लोगों ने। सो गाइस, सारे विलेजर्स मैं ले आया हूँ रेल से, और फिर वहाँ पे बोट पे और एक रेल कार्ट पे छोड़ रखा है मैंने। सो जल्दी से ये इकट्ठा कर लेता हूँ सारा सामान। सो गाइस, सारा सामान इकट्ठा कर लिया और सारे शेल्कर बॉक्स इधर मैंने रख दिए हैं, विलेजर अपने यहीं पे, और हम फार्म यहीं पे बनाएंगे, मतलब बीडर बीडर। तो मैं जल्दी से ये थोड़ा टेरा फार्मिंग कर देता हूँ इसकी। सो हमें चाहिए सबसे पहले दो बेड, वो ले लेते हैं, और उन दोनों बेड को ऐसे रख देते हैं आमने सामने। अब हमें चाहिए डर्ट और वाटर, क्योंकि हम बनाने वाले यहाँ पे एक फार्म नॉर्मल सा। सो पहले एक वाटर सोर्स बना ले, मतलब वाटर सोर्स बना लेते हैं। रात हो गई, एक मिनट सो के आता हूँ, नहीं तो ये ज़ॉम्बी हमें मार मार के, मतलब हमारे विलेजर्स को मार मार के गायब कर देंगे। सो जल्दी से ये फार्म बनाते हैं। पहले चार, मतलब एक वाटर सोर्स रखेंगे तो वो चार तक फार्म लैंड बना देता है, चार ब्लॉक तक। तो जल्दी से अभी वो करते हैं, और मुझे ना एकदम वो बेड के बराबर बराबर में लाना है। सो एक ज़्यादा हो रहा है, तो इस वाटर को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, और उधर से एक ब्लॉक कम कर देते हैं। अब इस साइड से भी चार खींचते हैं। अब जल्दी से फिल करके मिलता हूँ मैं पूरे डर्ट को। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक दीजिए वीडियो को, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये फार्म आपको। सो ये सारा मैंने फार्म लैंड में कन्वर्ट भी कर दिया है। अब हमें चाहिए एक कंपोस्टर, एक ग्लोस्टोन, एक लाइट सोर्स भी होना चाहिए, नहीं तो विलेजर, मतलब ज़ॉम्बीज वगैरह हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन होने लग जाएंगे नहीं तो यहाँ पे। सो हमें वाटर सोर्स के ऊपर ही रखना है कंपोस्टर, और कंपोस्टर के ऊपर रखना है ग्लोस्टोन। अब इसे हटा देते हैं।
और ये खराब हुआ था तो इसे भी ठीक कर देते हैं। अब मैं जल्दी से कैरेट फार्म कर देता हूँ। वैसे आप कोई भी क्रॉप फार्म कर सकते हैं, पर कैरेट जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ब्रीडिंग में। जैसे कि अगर ब्रेड रहेगा ना, मतलब व्हीट रहेगा, तो वो पहले ब्रेड बनाएगा फिर वो ब्रीड करेगा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पर कैरेट में जल्दी जल्दी हो जाता है और कम कैरेट्स में ही ब्रीडिंग शुरू हो जाती है पोटैटो वगैरह से। तो अब ले आते हैं विलेजर जल्दी से। विलेजर लाने के बाद अब हम वॉल्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब अराउंड सराउंडिंग में इसकी, तो हम वॉल्स लगाएंगे। वैसे आप कोई सा भी ब्लॉक या ग्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं है कि ब्लॉक यूज़ करना है, मतलब पर्टिकुलरली ब्लॉक यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। मैं भी वॉल यूज़ कर रहा हूँ। सो जल्दी से इसको चार तीनों तरफ से बंद करके मिलता हूँ। बेड बेड का एरिया छोड़ देता हूँ, उसका थोड़ा डिफरेंस सा रहेगा, मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। सो ये हो गया है। अब बेड का मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें लेने हैं स्लैब्स, और स्लैब्स को आधे वाले लेयर पे लगाना है ऐसे, ताकि ऊपर कुछ भी स्पॉन ना हो, और ये दो लेयर में करना है, तो मैं करके मिलता हूँ। सो ये हो चुका है ऐसे, और अब इन्हें पूरा ब्लॉक वॉल से कवर कर देना है बाहर से बेड को। सो मैं जल्दी से इन्हें कवर कर देता हूँ। सो गाइस ये कवर हो चुका है, और मैंने इधर दूसरा विलेजर भी ला के रख दिया है। अब इसकी बोट हटानी है। सो दोनों विलेजर अंदर हो चुके हैं। अब हमें बाकी का प्रोसेस करना है, कैसे कैसे होएगा। सो हमें चाहिए थोड़े सैंडस्टोन और ट्रैप डोर। ये जो विलेजर ब्रीडर का जो भी मतलब जिससे बेबीज बाहर निकलेंगे ना, वो आप किसी भी साइड बना सकते हो, बस बेड वाले साइड को छोड़ के, मतलब तीन साइड बचेगी आपके पास, किसी भी साइड में बना सकते हो। तो मैं इस साइड बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक जगह खाली कर देनी है यहाँ से। ओ एक मिनट, गाजर भी उखड़ गया, एक मिनट गाजर लगा दो दोबारा। सो इन ये बोट में बैठ गए हैं, तो जल्दी से बोट भी हटा देते हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है भाई? अबे यार देखो, बोट हटाते भाग गया है बाहर, ये डर लग रहा था मेरे को। रात भी होने वाली है, अब कोई मार ना दे बस इसे, जल्दी से अंदर घुसना पड़ेगा। चलो बेड की तरफ तो जा रहा है ये, तो जल्दी से इसे तोड़ के बेड की तरफ घुसा देता हूँ, ये सो जाएगा फिर मैं बंद कर दूंगा। चले जा भाई, मुंह क्या देख रहा है, खोल तो दिया गेट। अब जल्दी जल्दी बंद करना है इधर से, स्पॉन होने से पहले कुछ भी। सो ये हो चुका है इधर, पहले मैं सो जाता हूँ।
हाँ तो अब हमें यहाँ पे 3 की हाइट पे डिग करना है नीचे की तरफ, मतलब फार्म लैंड से। फिर हमें सीधा सीधा जाना है, 7 ब्लॉक से खोदना है हमें एक वाटर सोर्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम डालने वाले हैं पानी। पर उससे पहले मैं थोड़ा आसपास का एरिया थोड़ा सही सा कर दूँ, बहुत उबड़ खाबड़ सा हो रहा है। सो यहाँ पे जाएगा एक ट्रैप डोर ऐसे, और यहाँ पे बंद कर देंगे ताकि बेबी विलेजर को लगे कि एक ब्लॉक है और वो सीधा पानी में गिर रहा है। सो ये वाटर ब्लॉक कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे 2 नीचे डिक कर देते हैं, कुछ सामान रखेंगे, और मैं स्टेयर केस बना लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। अब हमें ये एरिया भी थोड़ा सपाट सा करना है। सो अब हमें चाहिए थोड़ी सी ग्लास। सो ग्लास को आके यहाँ पे लगाना है, एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि जो बेबी विलेजर है वो कूद के बाहर ना आ पाए। सो अभी फ़िलहाल के लिए इसे टेम्परेली ब्लॉक कर देते हैं ऊपर से। टेम्परेली पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। सो ये ब्लॉक हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है मैं। अब जितना एरिया मुझे चाहिए मैं जल्दी से इसे सेम करके आता हूँ। सो हम बेड रखेंगे इन 2 ब्लॉक्स पे, तो ये पूरा सेम करता हूँ मैं सेम हाइट के लिए। सो ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा काम। अब बस हमें बाउंड्री बनानी है, 3 की बाउंड्री बनानी है, मतलब 3 ब्लॉक की बाउंड्री आनी चाहिए लगभग। एक एरा, एक दो, और ऐसे करके सारी बाउंड्री बना देंगे जल्दी से। सो अब हमें चाहिए सारे बेड। सो हमें सारे बेड लगा देने, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए बेड बेसिकली, आप कितने भी बेड लगा सकते हो। और वो वाटर सोर्स वाली जगह को, मतलब उस ब्लॉक को छोड़ के लगाना है। ये हो चुका है यहाँ पे। अब मैं जल्दी से इस ब्लॉक को हटा के तोड़ के एक वॉल लगा देता हूँ, ताकि कुछ बाहर ना निकले बेबी विलेजर के अलावा। सो बस इसे कवर करना है।
तो मैं जल्दी से कवर करता हूँ। सो अब हमें चाहिए 2 ग्रेवल यानी कि 2 फ्लिंट चाहिए, जिससे बनाएंगे हम अपने लिए एक फ्लैकिंग टेबल, ताकि हम दूसरे बंदे को भी जॉब दे सके। तो दोनों जॉब वाले रहेंगे तो जल्दी ब्रीडिंग करेंगे, नहीं तो नॉर्मल विलेजर में वो लेट ब्रीडिंग करेगा। सो हमें जॉब ब्लॉक रखना है ठीक हमारे ग्लो स्टोन के ऊपर, और इसने फ्लैचिंग की जॉब भी ले ली है। अब हमारे फार्मर भैया इन्हें क्रॉप देंगे और ये लोग आपस में ब्रीडिंग कर लेंगे। अब चलते हैं, बाकी का काम पूरा करते हैं। सो अभी हमें थोड़े ब्लॉक्स तोड़ने हैं यहाँ पे, ये वाले। ये फार्म लैंड में मैं बाद में भी वो लगा दूंगा ट्रैप डोर्स। सो अभी जो वाटर सोर्स है वो सारा हमें 7 ब्लॉक तक का रखना है। सो जल्दी से मैं करके मिलता हूँ आप लोगों को। सो गाइस ये काम भी हो चुका है, तो अब मैं करता हूँ थोड़ी देर AFK और देखते हैं कितनी देर में ब्रीड करते हैं। सो गाइस मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया AFK करते हुए, मतलब आधा घंटा तो नहीं, थोड़ा बहुत टाइम ही हुआ है, और इन लोगों ने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब जैसे जैसे क्रॉप में उसकी इन्वेंट्री में क्रॉप भरती रहेगी, ये ब्रीडिंग अपना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, फार्म हमारा बन चुका है, एकदम वर्किंग फार्म है। सो आप भी अपने वर्ल्ड में बना सकते हो, और अगर बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।